दोस्तों नमस्कार इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों uh, मैं एक सीरीज़ ऑफ़ वीडियोस आपके सामने ला रहा हूँ ऑन वाइब्रेंट लाइफ एंड ऑलरेडी थ्री वीडियोस हैड बीन अपलोडेड दिस इज़ द फोर्थ वीडियो आई होप यू हैव सीन माय ऑल थ्री वीडियोस एंड गॉट सम वेरी रेलिवेंट पॉइंट्स ऑन हाउ टू हैव अ वाइब्रेंट लाइफ एज अगर कोई ये वीडियो को अलग फोर्थ वीडियो दिस इज द सीरीज़ ऑफ फोर्थ वीडियो है लेकिन अगर कोई इस वीडियो को अलग देख रहा है इंडिविजुअल देख रहा है तो मैं थोड़ा सा उसको ये बोलना चाहूँगा कि फ्रेंड्स वाइब्रेंट uh, लाइफ होता क्या है वाइब्रेंट लाइफ इज़ समथिंग जो लाइफ आपके पास में हो रहा है और बहुत लोग के पास में है नहीं तो बाकी जो लोग हैं ना वो सोचता है कि इसके पास में है क्या कि एवरी कंडीशन में एवरी सिचुएशन में ही सो पॉजिटिव ही सो स्माइलिंग एंड आपका जो फेस है आपका वॉइस है आपका आपका आइज़ है द वे यू टॉक एवरी थिंग फ्राम एवरीथिंग एक और निकलता है और जो ओरा जो निकलता है ना वो इतना पॉजिटिव होता है कि अगर आप एक वाइब्रेंट लाइफ का ओनर हो तो जितने भी पॉजिटिव माइंड सेट वाला पर्सनस है दे विल फील वेरी कंफर्टेबल टू सिट डिसाइड यू टॉक टू यू और जो नेगेटिव माइंड सेट वाला जो पीपल होते वो कभी आपका सामने टिक ही नहीं सकता वो आपसे पाँच मिनट बात करेगा फिर भाग जाएगा तो माइडा फ्रेंड्स वाइब वाइब्रेंट लाइफ टू हैव अ वाइब्रेंट लाइफ इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस फॉर ऑल ऑफ अस वाइब्रेंट लाइफ और सक्सेसफुल लाइफ में कुछ कुछ फ़र्क है सक्सेसफुल लाइफ कैन भी टेकन इन टू डिफरेंट पैरामीटर्स इन टर्म्स ऑफ वेल्थ इन टर्म्स ऑफ मेटेरियलिस्टिक थिंग्स लेकिन वाइब्रेंट जो लाइफ होता है ना वो अंदर से आता है समथिंग कम्स वी जीन माइडिया फ्रेंड्स एजुकेशन जो हम लोग बोलते हैं ना जो एक जिसके पास में शिक्षा है वो आ, शायद वाइब्रेंट लाइफ है ऐसा हम बोलते हैं लेकिन जो एजुकेशन का जो मेन जो मीनिंग है ना वहाँ से हम लोग कभी ड्रिफ्ट आउट कर गए यू नो द एक्चुअल मीनिंग ऑफ एजुकेशन एजुकेशन हैज़ कम फ्रॉम अ लैटिन वर्ड कॉल्ड एजुको एंड द मीनिंग ऑफ एजुको इज एड्यूस वॉट इज द मीनिंग ऑफ एड्यूस एड्यूस द मीनिंग ऑफ एड्यूस इज समथिंग द डेवलपमेंट फ्रॉम विद इन इसका मतलब जो अगर रियली really एजुकेटेड है उसका अंदर से कुछ डेवलपमेंट हुआ होगा दैट इज वाई ही इज एजुकेटेड दैट इज वाई ही इज वाइब्रेंट सो माई डयर फ्रेंड दिस इज द वीडियो दिस इज द फोर्थ वीडियो इसके पहले मैंने तीन वीडियो में छः पॉइंट्स आपसे एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं जस्ट पॉइंट को रिपीट कर देता हूँ ताकि यू कैन हैव अ कोर रिलेशन द फर्स्ट पॉइंट इज दट इन द मॉर्निंग यू शूड स्पेंड सम क्वालिटी गुड टाइम थर्टी फोर्टी मिनट्स टाइम विद द मदर नेचर अकेले आप थोड़ा सा मदर नेचर के साथ मैं टाइम स्पेंड करो नेचर को फील करो फील विद न्यू द पॉइंट नंबर टू ऑज दैट वंस दैट इज डन यू शुड गिव एटलीस्ट थर्टी फोर्टी मिनट्स टाइम फॉर सम फिजिकल एक्सरसाइजेज बिकॉज आपका अगर हेल्दी बॉडी है तभी हेल्दी माइंड हो सकता है तभी आप एक वाइब्रेंट लाइफ की तरफ बढ़ सकते हो द पॉइंट नंबर थ्री वॉज दैट वंस दैट फिजिकल एक्सरसाइज इज डन यू शुड भी टेकिंग सम फूड एंड दैट फूड शुड भी डायरेक्टली रिलेटेड टू द नेचर समथिंग नॉट अ वेरी हेवीली जंकली कु फूड in terms of some boiled vegetables or maybe some uh, fruits natural fruits some fruit juices etc etc द फोर्थ पॉइंट विच आई टोल्ड यू अबाउट टू हैव अ वाइब्रेंट लाइफ इज टू हैव अ नॉलेज नॉलेज एबन्डन आपको पढ़ाई का हैबिट लिखना डालना पड़ेगा बुक रीडिंग का ऑडियो uh, बुक का जो लिसनिंग उसको डाल डालना पड़ेगा अगर आप नॉलेज गैदर करते हो तो आप वाइब्रेंसिंग की तरफ वाइब्रेंट लाइफ की तरफ बहुत जल्दी आगे बढ़ते हो नेक्स्ट पॉइंट मैंने बोला था रात को सोने के हाफ एनआवर पहले फोर्टी फाइव मिनट्स तक आपको एक पर्सनल रिफ्लेक्शन करना पड़ेगा खुद को अपना खुद को खुद का जो सोल है उसको मीर समझ के सामने खराब होना पड़ेगा पांच या छह चीज़ चीज़ आपने दिन भर गलत 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 किया होगा गलत बोला होगा गलत सोचा होगा बोला सोचा उसको सोच लो समझ लो समझ अपने आप को को करो उस रिपीट नहीं करो काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आपको दिखेगा एंड टोल्ड यू दैट यू शुड डेफिनेटली डेवलप टू गेट अर्ली इन द मॉर्निंग और रात में जल्दी सोने के जाओ आपको छह से साढ़े छः घंटा टाइम नीत के लिए काफी है मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर लेता हूं तो सात घंटा दिन में चौबीस घंटा ही मिलता है माइन रियर चौबीस मानने माइनस सेवन अट्ठारह घंटा आपका हाथ में सॉलिड रहेगा आपका मुट्ठी के अंदर में रहेगा यू कैन डू अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स राइट दो सिक्स वीडियो द सीरीज ऑफ वाइब्रेंट लाइफ का जो फोर्थ वीडियो है इसमें मैं और दो पॉइंट आपसे डिस्कस करने वाला हूँ द पॉइंट नंबर द पॉइंट नंबर वुड बी सेवन इज दैट द पावर ऑफ म्यूजिक माई डरफ्रेंड्स आप देखे होंगे म्यूजिक एक ऐसी चीज़ है जिसको म्यूजिक थेरेपी की तरफ समझा जाता है म्यूजिक एक दिमाग में ना एक अजीब सा सुकून लाता है और ये खाली इंसान के ऊपर नहीं है ये स्टडी देखा गया कि म्यूजिक हैज़ अ डायरेक्ट इम्पैक्ट नॉट ओनली ऑन द ब्रेन ऑफ अ ह्यूमन बींग बट ऑल्सो एनी एनी एनिमल्स अगर आप कोई भी एनिमल्स को भी रेगुलरली दिन में हाफ एन आवर सॉफ्ट म्यूजिक सुनाओ तो आप देखोगे आप उसको काम एंड कूल कर सकते हो डियर फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि म्यूज़िक का वैल्यू हम लोग समझे एंड डेट टू म्यूजिक मतलब वही नहीं कि जम समथिंग लाइक अ जंकी फूड इट इज़ अ जंकी म्यूजिक वेरी लाउड म्यूजिक नो आपको जो भी म्यूजिक पसंद हो आपको फ्लूट पसंद हो आपको सितार पसंद हो आपको तबला पसंद हो आपको पुराने हिंदी गाने पसंद हो पुराने इंग्लिश गाने विंटेज सॉन्ग्स पसंद हो कुछ भी दिन में कम से कम हाफ एन आवर या फिर एनी टाइम व एनी आर मे बी ट्रैवलिंग ईयरफोन तो सबका कान में रहता है म्यूज़िक थेरेपी आपने आपको दिया करो म्यूज़िक बहुत ज़्यादा सूदिंग एक इफेक्ट होता है जो काम जो काम मेडिसिन नहीं कर सकता वो काम भी कभी कभी म्यूज़िक करके जाता है लेकिन वही बात है कि ये म्यूज़िक किसी को दिखाने के लिए नहीं अपने आप को सुकून देने के लिए अगर एक म्यूज़िक एक एक जानवर को शांत कर सकता है तो आप सोचो वट ऑफ एन एफेक्ट दिस म्यूज़िक कैन हैव ऑन यू माय डियर फ्रेंड्स जितना आप म्यूज़िक सुनोगे जितना पॉसिबल टाइम है मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपका कोई इंपॉर्टेंट काम छोड़ के आप गाना सुनो लेकिन जो फ्री टाइम हम ट्रैवल कर रहे हैं या फिर हम दूसरा कोई अनप्रोडक्टिव काम कर रहे हैं उसका टाइम एट द बैक ऑफ योर माइंड अगर कोई हल्का सा म्यूजिक रहे या फिर फ्लूट रहे या फिर सितार रहे या फिर सरोज रहे या फिर एनी आप बिलीव नहीं करोगे आपको इतना ज़्यादा सुकून मिलेगा दिमाग में जो आपका आपका अगेन वो दिस वुड एड ऑन टू योर वाइब्रेंसी टूअर्ड्स लाइफ तो द पावर ऑफ म्यूजिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट वेरी इम्पॉर्टेंट द पावर ऑफ राइट वर्ड्स दोस्तों आ, ये ये बोला जाता है कि आ, आ, सोचने के पहले कुछ बोलने के पहले हमें हमेशा सोचना चाहिए ये होता है ना कि जो बंदूक का जो गोली है और मुंह का जो शब्द है वो एक बार अगर निकल जाए तो आप उसको वापस नहीं ले सकते हो डियर फ्रेंड्स हम लोगों में ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज हैं कभी कभी हम लोग कुछ बिना सोचे समझे कुछ वर्ड्स किसी को बोल देते हैं और वो बोलने के बाद में हो सकता है कि हम रिपेंट करते हमें लगता है कि मैंने बिल्कुल गलत कर दिया लेकिन माई रेफरेंस जो एक बार बोला गया वो चीज़ आप वापस नहीं ला ला सकते हो, हो सकता है कि आपका उसके बारे में फीलिंग नेगेटिव नहीं है यू आर नॉट इज एनिमी लेकिन एक शब्द एक शब्द आपका बनाया बनाया जो रिलेशनशिप जो आपने शायद 20 साल लगाया होगा एक अच्छे रिलेशनशिप बनाने के लिए विद योर तो फ्रेंड और विथ योर कोलिग तो तो trust me my dear friends in a fraction of a second by using a wrong word you can destroy that relationship that is called the power of right words my dear friends for God's sake ye ek ek dangerous cheez hai ye ek nuclear weapon hai जैसे nuclear weapon आप लोगों को डरा तो सकते हो लेकिन आज का दिन में चला नहीं सकते हो वैसे ही आपका वर्ड्स का ऊपर आपका कमांड होना चाहिए आपका ऑथोरिटी होना चाहिए आपका मुँह से वही शब्द निकालना चाहिए जो आपका दिमाग उसको परमिशन दे और वो चीज़ तभी हो सकता है जब आपका कंप्लीट ऑथोरिटी होगा आपना सोच के ऊपर और आपका जो इंस्टेंट सोच के ऊपर उसके ऊपर तो बहुत ज़्यादा तो डियर फ्रेंड्स पावर ऑफ म्यूजिक इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव थिंग्स दैट यू कैन यूज इन योर लाइफ एंड द पावर ऑफ द राइट वर्ड्स ऑपोजिट में जैसे मैंने आपको गलत चीज़ बोला सही वर्ड एक सही वर्ड जो आप दोनों के बीच में हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम चल रहा है एक अच्छे वर्ड और दो तीन अच्छे लाइंस कैन रेडिकली यू नो चेंज द रिलेशनशिप कैन रेडिकली चेंज द केमिस्ट्री बिटवीन यू टू एंड मेक यू बोथ कम क्लोज टू इच अदर यू कैन प्रूव यूर सेल्फ एज अ वाइब्रेंट पर्सन बाय यूजिंग द राइट काइंड ऑफ एन वर्ड माई डर फ्रेंड्स पावर ऑफ वर्ड इज इमेंस तो वर्ड जो है शब्द जो है ये बोला जाता है कि दिन में एक बार आपका मुंह में देवी सरस्वती बैठती है और उस टाइम आप कुछ भी बोल दो तो वो शायद Uh, आ जाता है रियलिटी में आ जाता है मेरा यह कहना है कि 24 घंटा नहीं तो फिर 18 घंटा जब जिस टाइम आप जागे हुए हो अठारह घंटा आपका मुंह में देवी सरस्वती बैठा हुआ है तो ऐसे कुछ मत बोलो जो सच हो जाए और आपका रिलेशनशिप किसी के साथ में खराब हो जाए तो माय डियर फ्रेंड्स विद दीज टू टॉपिक्स आई एम गोइंग टू क्लोज टू वीडियो ऑन वाइब्रेंट लाइफ दिस इज द फोर्थ सीरीज ऑफ वीडियो दिस इज द फोर्थ पार्ट ऑफ द सीरीज ऑफ द वीडियो आई होप आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू एट गुड पॉइंट्स विच यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड यूजिंग इन योर लाइफ एंड यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड अप्रोचिंग टूवर्ड्स अ वाइब्रेंट लाइफ लोगों को आप में वो डिफरेंस दिखना चालू हो गया होगा एंड दैट वी द रियल रियल रिवॉर्ड टू मी टिल देन हैव अ ग्रेट लाइफ हैव अ सक्सेसफुल लाइफ एंड डेफिनेटली डेफिनेटली हैव अ वाइब्रेंट लाइफ ठीक है बाय नमस्कार